फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। वेलकम है आपका अपने ही चैनल में। मैं हूँ सीमा खन्ना और आज है अहोई अष्टमी का दिन, इसलिए मैं माता रानी जितनी भी है सब माता रानी को चुनरी चढ़ा रही हूँ। ये मॉर्निंग में मेरा मंदिर का रूटीन है, सुबह का पूजा कर रही हूँ। इवनिंग में तो माता को बैठाऊँगी, तब आप देखेंगे पूजा रूटीन। और वैसे ये अहोई अष्टमी, पहले मैं बता दूँ, ये संतान की दीर्घायु और उनकी अच्छे जीवन के लिए व्रत रखा जाता है। मोस्टली कहा जाता है कि जिनके घर में पुत्र हो यानी बेटा हो, वो माएँ ये व्रत रखती है। बट मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरी तो एक बेटी है, पर फिर भी मैं चाहती थी कि मैं उसके लिए ये व्रत करूँ। और आजकल बेटा बेटी दोनों ही एक होते हैं, मेरा तो ये मानना है, तो उसके लिए मैंने ये व्रत रखा है। Hey guys, so welcome back to my channel। और आज है अहोई अष्टमी, तो अहोई अष्टमी स्पेशल सारा ब्लॉग मिलेगा और किस तरीके से आप सरल विधि से अहोई अष्टमी की पूजा कर सकते हो वो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दिखाने वाली हूँ। कैसे चौक लगाना है, कैसे क्या क्या जमाना है चौक पे, सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी विधि के साथ, ताकि जो महिलाएं अगर फर्स्ट टाइम कर रही हो ना, तो उन्हें है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना हो, वो इसी तरीके से बहुत ही सरल तरीके से ये व्रत कर सकती हैं। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 11 बज रहे हैं। नहा धोकर मैंने अपने मंदिर भी साफ़ किया, सारी जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी है मेरे दरबार में माता है, लक्ष्मी माता है और बम्बेश्वरी माता है, दुर्गा माता है, सारी माताओं को मैंने चुनरी ओढ़ाया है। और जब इवनिंग में अहोई माता का भी पूजा करूँगी तो उन्हें भी चुनरी अर्पित करूँगी। तो सारी तैयारी बस मैं करूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने मंदिर के लिए चौक लगाने के लिए जगह बना लिया है। आज मेरा मंदिर थोड़ा सा साइड करके मैंने अपना, तो यहाँ पे क्योंकि पूरब दिशा पड़ता है तो पूरब दिशा की तरफ ही चौक लगता है। तो अभी तो फिलहाल मैं फास्ट हूँ, मॉर्निंग से निर्जला उपास होता है। इसमें मैंने ये था कि फर्स्ट टाइम मैंने जब जैसा किया वैसा ही करना है, तो एक बार दिन में चाय मैं ले ली थी फर्स्ट टाइम में, तो इस बार भी मैं ये है कि नहा धोकर अभी पूजा हो गया है चाय ले लूंगी। और चाय लेने के बाद जो भोग है, जो प्रसाद बनाना है, वो उसकी तैयारी करूंगी, जो मेन प्रसाद चढ़ता है। और देखिए हर प्रसाद में इसमें चढ़ता है पूड़ी चढ़ता है, हलवा चढ़ता है और मालपुए चढ़ते हैं, तो वो तीनों चीज़ की तैयारी मेरी जो है हो चुकी है। तो बस उसको फटाफट किचन में जब फ्री हो जाऊंगी तो सीधे प्रसाद भोग बनाने लगूंगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी, ताकि आप सारी चीज़ें सीख सके, आराम से कर सके। अगर कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं तो आराम से वो कर सके। तो हो सकता है वीडियो अगर लंबा हो तो पार्ट वन और पार्ट टू में आए, तो देखती हूँ, ट्राई करती हूँ कि एक ही वीडियो में आ जाए। अगर ना हुआ तो दो पार्ट में आएंगे वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना काम, अभी मेरा पूजा हुआ है, अब मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाकर पहले चाय पी लेती हूँ और फिर आगे क्या होगा जो भी होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, चलिए दिखाती हूँ चाय जो है बन रही है। ये जो चाय है सिर्फ दूध की बनती है, इसमें पानी नहीं ऐड किया जाता है। चाय पत्ती, चीनी और इलायची डालकर मैं ये चाय बनाती हूँ। अगर आप भी करते हो तो ऐसा चाय ले सकते हो। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि तबीयत ठीक नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, तो दिन में एक बार चाय आप इस तरीके से ले सकते हो। कई लोग नहीं लेते हैं, कई लोग डायरेक्ट पूजा कर कर ही पीते हैं, तो पर मैं फ्यूचर का सोचकर मैंने फर्स्ट टाइम ही सास सुमा से कहकर शुरू करवा दिया था कि कभी ऐसा हो तो कम से कम ये ले सकते हैं। करवा चौथ में हम सरगी खा लेते हैं, बट इसमें सरगी वाला ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए आप एक चाय ज़रूर ले लिए। फ्रेंड, जब तक तैयारी हो रही है, मतलब मेरी चाय की रेडी हो रही है, तब तक से मैं बता रही हूँ क्या क्या तैयारी किया है मैंने। ये देखिए, आप गेहूँ देख सकते हो, मैंने कल ही धोकर सुखा लिया है, क्योंकि पूजा में गेहूँ और चावल दोनों अनाज लगते हैं इसलिए। और लोटा वगैरह धो लिया, कटोरी धो लिया। मैं ज़्यादातर जितने भी भोग होते हैं ना, वो कांसे का बर्तन अलग रखती हूँ, कांसे के बर्तन को ही यूज़ करती हूँ, साफ़ सुथरा बर्तन, उसे हम नहीं यूज़ करते। तो वैसे ही साफ़ सुथरा बर्तन आप हर किसी को रखना चाहिए कि भोग के लिए जूठा बर्तन कभी भी ना यूज़ करें पूजा में। तो मित्रों, आप देख सकते हो मैं भोग प्रसाद बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। किचन में मालपुए की ये देखिए जो बैटर है मैंने रेडी कर लिया है। दूध में भिगा कर रखना पड़ता है इसे, एक दिन पहले से प्रिपरेशन करना पड़ता है मालपुए की। और हलवा जो है, मैं सूजी और बेसन का हलवा बनाती हूँ मोस्टली, तो मैं वैसा ही हलवा बना रही हूँ घी में, खूब सारा घी डालकर, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें इलायची ज़रूर कूट के डालना चाहिए। और ये देखिए मालपुए जो है बनने लगे, एक साइड में, एक साइड में इंडक्शन में हलवा भी जो बनकर हो
गया रेडी। प्रसाद में मेन प्रसाद यही होता है, हलवा, पूड़ी और साथ ही साथ मालपुए। तो देखिए मैं पूड़ी भी तल रही हूँ। पूड़ी इसमें आठ आठ पूड़ी का जो है ना भोग लगाया जाता है। आठ पूड़ी मनसा जाता है जो सासू माँ की थाली में होगा, आठ पूड़ी जो मैं अपने गोद में लेकर बैठूंगी और इस तरीके से, और दो पूड़ी मैं एक्स्ट्रा निकाली हूँ जो माता के सामने भोग लगाऊंगी। तो गाइस मेरा जो प्रसाद है, भोग जो चढ़ाया जाता है, वो बन गया। उसके बाद मैं जब ध्यान आया कि मैंने तो ये जो लॉकेट है, अहोई माता का लॉकेट होता है जो पहना जाता है, जितने बच्चे होते हैं उस हिसाब से मोती भी डलती है। जैसे कि मेरी एक बेटी है तो उसमें दो मोती डली हुई, चांदी का आता है, ये चांदी का ही पहना जाता है। तो ये जो लॉकेट है मैंने पिछले बार नहीं लिया था क्योंकि अंकित जी थे नहीं, इस बार मैंने लिया है। तो मंदिर में अपने है ना रख कर फिर उसके बाद ये जो है फिर उसके बाद मैंने गले में डाला। पर एक चीज़ बताऊंगी, ये आपको जो गले में डाला जाता है ये मौली धागा का हेयर होता है, मौली धागा से पहना जाता है। तो मैं उसको एक दिन पहले ही ले आई थी सुनार के यहाँ से और इसको वैसे डालकर मैंने रख लिया था। बस फटाफट मैंने पूजा किया, इसको रखा मंदिर में और फिर उसके बाद संकल्प लेकर फिर मैं इसको पहन ली हूँ। तो इस तरीके से ये पहना जाता है, दिन भर आज पहनेंगे, फिर पूजा के टाइम में क्या करना है इसका मैं बताऊंगी आपको। और मैं अभी फ़िलहाल पीहू गई हुई है नीचे खाने, तो उसके लिए भी गिफ्ट, आज का उसी का दिन है तो उसके लिए भी मैं गिफ्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा बेड जो अभी इस तरीके से फैला हुआ है, उसका ड्रेस है, उसके लिए रिबन्स है, कुछ बैंड है और सारे ये खाने पीने के आइटम हैं जो मैं इसके लिए रेडी कर रही हूँ। तो बस उसी के प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ क्योंकि गिफ्ट देना तो बनता ही है। जैसे करवा चौथ में हमें गिफ्ट मिलता है, वैसे ही आज के दिन तो पीहू को गिफ्ट देना तो बनता ही है। तो फटाफट चलिए गिफ्ट को पैक कर लेते हैं और मैं ना उस मोमेंट का वेट कर रही हूँ जब पीहू ये देखकर बहुत सरप्राइज हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने लास्ट ईयर किया था ना, मैं इतना प्रिपेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। तो मैं एकदम जस्ट मेरा तबीयत ख़राब हुआ था, दूसरे दिन वो उसका जो ये पूजन करना था मुझे, तो मैं कुछ भी तैयारी नहीं की थी, बस मैंने पूजा कर लिया था, स्टार्ट कर लिया था। इस साल मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, बहुत मन से, और पीहू का फेस एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ कैसा फील करेगी। तो बस देखिए मेरा जो है गिफ्ट रेडी हो गया। सो फ्रेंड्स, गिफ्ट पैक हो गया, सब चीज हो गया, आपने देख लिया, कैसा लगा कमेंट्स में बताना। और आगे नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद का बनेगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यू नहीं करूँगी, वो है अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि, कैसे चौक लगाते हैं सारा चीज, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। अब बस मैं जा रही हूँ उसकी ही तैयारी करने के लिए, क्योंकि पीहू आएगी उससे पहले मैं गिफ्ट छुपा देती हूँ और फिर सरप्राइज़ पूजा में जब बैठेंगे ना तब वो देखेगी ये चीज़ कि मैंने उसके लिए कैसा गिफ्ट रेडी किया है। तो पीहू बहुत एक्साइटेड है कि मेरा गिफ्ट क्या है, अभी उसे पता नहीं है। और आप देख सकते हो दरवाज़ा भी बंद कर रखा है मैंने, कहीं वो रूम में आ ना जाए। अभी खा रही है, पापा के साथ दादी आई हुई है, दादी के साथ, और बस खाना पीना खाए और फिर उन लोग रेस्ट करेंगे, तब तक से मैं पूजा की तैयारी करूँगी। और फिर आज हम लोग होने वाले मैचिंग, तो फिर आप आगे नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा कैसे क्या क्या होता है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जल्दी ही कंटिन्यू कर इसे कट कर नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू हो जाएगा। तो ओके, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।